ये क्लास ट्वेल्थ का आपका मेजर प्रैक्टिकल है। इस प्रैक्टिकल का नाम है डीएनए आइसोलेशन। डीएनए आइसोलेशन के प्रैक्टिकल के लिए आप कोई से भी प्लांट प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अभी ऑनियन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रैक्टिकल को पूरी तरीके से कम्प्लीटली करने के लिए आपको सबसे पहले एक ऑनियन को क्रश करना ज़रूरी है। सबसे पहले आप ऑनियन को कट कर लीजिए और उसको पूरी तरीके से बारीक बारीक टुकड़ों में काट कर आप उसे बारीक अपने बेसल मोटर में लेकर उसे पूरी तरीके से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के समय ही आप इसमें NaCl मतलब आपका जो साधारण नमक रहता है उसको डाल सकते हैं। उसको डालने के बाद में आप उसके साथ में डाल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। जब आप NaCl और सोडियम बाइकार्बोनेट को डालते हैं तो पर्टिकुलर आपको पता है कि प्लांट के आसपास एक वॉल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। वो सेल वॉल इसकी वजह से पूरी तरीके से रप्चर्ड हो जाती है और DNA को आइसोलेट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बेसल मोटर की सहायता से पूरे ऑनियन को क्रश कर रही हूँ और क्रश करने के साथ साथ में ही मैंने इसमें NaCl और सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें डाल दिया है। जब ये पूरी तरीके से क्रश हो जाएगा तब हमें इसे छन्नी की सहायता से छानना है और जो एक्सट्रैक्ट आएगा उसको हमें सबसे पहले रेडी करना है। हमने बेसल मोटर की सहायता से DNA को पूरी तरीके से क्रश कर लिया है। अब हमें इसके छानने की प्रोसेस करनी है। इसके लिए आपने जितना भी क्रश किया हुआ आपका अनियन है उसको आप पूरी तरीके से अच्छे से छान लीजिए। छानने के समय आप ध्यान रखिए कि पूरी तरीके से जो भी एक्सट्रैक्ट हो पूरी तरीके से नीचे चला जाए। आपको बहुत अच्छे तरीके से इसे छानना है जिससे कि एक्सट्रैक्ट पूरी तरीके से नीचे ड्रॉप आउट हो जाए। हमने पूरी तरीके से अनियन जो क्रश किया था उसे छान लिया है। इसे आप अलग रख दीजिए और अलग रखने के बाद में आपके पास में जो भी एक्सट्रैक्ट आया है अब उसके अंदर आपको एक और काम करना है कि आप जो लिक्विड डिटर्जेंट सॉल्यूशंस रहता है उसे लेना है और उसे कुछ थोड़े से पानी के साथ में 10 ml वाटर के साथ में आप डिजोल्व कर दीजिए। 2 ml डिटर्जेंट और 10 ml करीबन आपको वाटर लेना है और उसका सॉल्यूशन रेडी करना है। उस सॉल्यूशन को हमें इस एक्सट्रैक्ट के साथ में मिक्स करना है। जब आप किसी डिटर्जेंट सॉल्यूशन को अनियन के क्रश वाले सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो आपको पता है कि DNA के अलावा जब हमको DNA एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके साथ साथ में RNA प्रोटीन और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसे रिमूव करना ज़रूरी है। जब आप इसे मैं मिक्स कर रही हूँ जब आप इसके साथ में लिक्विड डिटर्जेंट सॉल्यूशन मिक्स करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर से अब जब आप DNA को आइसोलेट करेंगे तो RNA प्रोटीन और बाकी सब चीज़ें भी इसमें से अलग हो जाएंगी और DNA आसानी से आइसोलेट हो जाएगा। लिक्विड सॉप सॉल्यूशन लेने के बाद में आपको इसको काफ़ी अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद में आपको एक सिंपल टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको इस सॉल्यूशन को डालना है। DNA को आइसोलेट करने के लिए सबसे मेन प्रोसेस रहती है कि जब आपका ये पूरा एक्सट्रैक्ट डिटर्जेंट सॉल्यूशन के साथ में रेडी हो जाता है तो आपको इस टेस्ट ट्यूब में दीवार के सहारे आपको एकदम चिल्ड इथेनॉल जिसको आपको बर्फ़ में रखना है। जब भी आप ये प्रैक्टिकल करना शुरू करें उससे पहले आप इसको एकदम बर्फ़ में रखिए और जब भी ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाती है आपको दीवार के सहारे चिल्ड इथेनॉल को डालना है। अगर इथेनॉल चिल्ड नहीं होगा तो DNA को आइसोलेट करने वाली प्रोसेस शायद आपकी बहुत अच्छे से मेज़र ना हो। आपको कुछ सेकंड्स के लिए रुकना है और आप जैसे जैसे चिल्ड इथेनॉल जब इस सॉल्यूशन में जाता है तो DNA का फॉर्मेशन एकदम लिक्विड फॉर्म में नीचे वाला साइड रह जाता है और जो स्पूलिंग से आप इस DNA को आइसोलेट कर सकते हैं क्योंकि बादलों के जैसा आपको स्ट्रक्चर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इट्स अ DNA। इसको आपको रॉड की सहायता से
बाहर करना है और बताना है कि डीएनए किस तरीके से आपने आइसोलेट करा है। अब हम इसकी लास्ट प्रोसेस एक और करेंगे, इट्स अ स्पूलिंग। अब आप देख सकते हैं कि आपने किस तरीके से डीएनए को आइसोलेट किया है। अब इसकी लास्ट प्रोसेस बची हुई है जिसमें कि आप रॉड की सहायता से ये जो स्ट्रक्चर छोटे छोटे से फॉर्म होते हैं इनको आप निकाल सकते हैं। इट्स ए स्पूलिंग और आपका डीएनए आइसोलेट हो चुका है।